लोकसभा चुनाव के आखिरी और सातवें चरण के लिए आज वोटिंग हो रही है। आज यूपी की 13 सीटों पर भी वोटिंग चल रही है। इसी बीच खबर मिली है कि यूपी के बलिया में एक बुजुर्ग की वोटिंग के दौरान मौत हो गई। वह वोट डालने के लिए लाइन में खड़े थे लेकिन अचानक गिर गए और उनकी मौत हो गई। बता दें कि सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र के पकड़ी में 58 साल के बुजुर्ग रामबचन चौहान वोट डालने गए थे। वह अपने गाँव चकबहादीन में बूथ संख्या 257 में वोट देने के लिए लाइन में खड़े थे। उनकी अचानक गिरकर मौत हो गई। सीएचसी सिकंदरपुर के डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर 1 जून को सातवें अंतिम चरण का मतदान जारी है। इस दौरान 7 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोटिंग हो रही है। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक किया जाएगा। इस चरण के मतदान के साथ 19 अप्रैल से शुरू हुए चुनाव के सभी चरणों का मतदान सम्पन्न हो जाएगा। वहीं लोकसभा चुनाव के आखिरी और सातवें चरण में घटित इस घटना से कोहराम मचा हुआ है। अभी देखिए, घर से पैदल अपने घर से बूथ तक आए थे, बूथ पे लाइन में लगे, लाइन में 5 मिनट लमसम खड़े थे, अचानक इनको चक्कर आया, चक्कर आने के बाद गिर गए। गिरने के बाद तुरंत इनको, जिससे हम लोग चारपाई पर लेटाए उठाए, उसके बाद से एम्बुलेंस बुलाया गया। एम्बुलेंस से बुलाया तो लेके हम लोग आए यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिकंदरपुर। यहाँ पर डॉक्टर साहब ने बताया कि इंस्पायर कर गए हैं। इसके बाद से हम लोग प्रशासन से, जैसे डॉक्टर साहब के सहयोग से, हम लोग चाहते थे कि इनका पोस्टमार्टम हो जाए। पोस्टमार्टम के लिए बार बार बात हो रही है, एसओ साहब मना कर रहे हैं, चूँकि एसडीएम साहब को कहे तो हमारी बात एसडीएम साहब से भी हुई है। किस थाने में आते हैं आप? पकड़ी थाने के अंतर्गत। पकड़ी थाना है, एसओ हेल्प नहीं कर रहे हैं। एसडीएम साहब कहे कि आप लोग अगर वो है एसडीएम सिकंदरपुर, जी एसडीएम सिकंदरपुर से बात हुई, उन्होंने कहा कि स्वाभाविक मौत है, इसमें पोस्टमार्टम की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इसके बाद से पुनः बात हुई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लोग एसओ साहब से बात करके करा लीजिए। एसओ साहब से जब से बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि एसडीएम साहब का अपना हैंड है, वो अपने हैंड से करा लें, इसमें हमारी क्या आवश्यकता है। ये चल रहा है, हम लोग तभी से यहाँ खड़े हैं, 2 घंटा का ऊपर होने जा रहा है। आगे क्या लग रहा है कि प्रशासन कार्रवाई करेगी? प्रशासन से हम लोग को कोई उम्मीद नहीं है। वो लाइन में खड़ा रहा हन, चक्कर आयल है, वोट देवे गई लल हन, अकेले ही गई लल हन, चक्कर आयल है धूप में। क्या धूप टेंट उंट ना लगल हो जा लागल रह के तब जाते मैंने कि हवा में लाइन बढ़ा रहा, टेंट से बाहर लाइन ढेर बढ़ा रहा। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।